हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं केस स्टडी के पार्ट टू के अंदर। आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। कल मैंने आपको दो केस स्टडीज करवाई हैं और आज मैं यहाँ पर दो और केस स्टडीज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों कैसे केस स्टडीज को सॉल्व करना है, कैसे यहाँ पर चीजें आती है केस स्टडी वाले पार्ट के अंदर, कैसे दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, किस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और एक पेपर पर लिखना है, मतलब आपका जो रफ पेपर होगा कॉपी के पीछे सब्जेक्टिव में आप जाके लिखोगे कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। बहुत आसान होता है, बस लगता यह है कि लैंग्वेज काफी टफ है और यहाँ पर सब्जेक्टिव पूरा लिखा हुआ है तो यहाँ पर सॉल्व करने में उससे बच्चे डरते हैं, तो वो सारा डर आपका निकल जाएगा। कल भी आपको समझ आएगा किस तरीके की एपी की यहाँ पर दोस्तों केस स्टडीज होती है, ये आपको पता लग गया होगा आज और आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा सभी लोगों का। फटाफट से आ जाइए सारे लोग और दोनों केस स्टडीज को मेरे साथ में, दोनों केस स्टडीज को भैया सॉल्व करिए, सारे के सारे मिलके केस स्टडीज को सॉल्व करिए ताकि आपको यहां पर क्लैरिटी हो पाए कि आगे हमें एग्जाम में या सैंपल पेपर्स में कैसे इन सारी केस स्टडीज को लगाना है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के बारे में। यहाँ पे बात हो रही है इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के अंदर आएंगे। 13 और 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका वो केस स्टडी क्वेश्चन ही होगा, ये आप सभी को पता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट केस स्टडी सीबीएसई टर्म टू मैथ्स हमारा टारगेट है। ये हमारी दोस्तों तीसरे नंबर की केस स्टडी है सीरीज के अंदर। दो केस स्टडीज हमने कल कर ली थी, अब यहाँ पर तीसरा क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लो, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक भी इंफॉर्मेशन को नहीं छोड़ना है, सब कुछ आराम से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, सहज बत्रा गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे, आउट ऑफ पॉकेट मनी ही सेव्स मनी फॉर पुअर पीपल इन हिज लोकेलिटी, ऑन फर्स्ट डे ही सेव्स रुपीज 27.5, ऑन ईच सक्सेडिंग डे ही इंक्रीजेस सेविंग बाय रुपीज 2.5। मतलब दोस्तों 2.50 रुपए के साथ वो हर दिन यहाँ पर क्या करता है, अपनी सेविंग को इंक्रीज करता है और पहले दिन उसने कितने रुपए सेव किए हैं, 27.5 यहाँ पे सेव किए हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की क्लैरिटी आ गई होगी, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब जब भी आपसे बोला जाएगी सक्सीडिंग का मतलब क्या है, हर दिन, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, मतलब क्या हो गया, पहले दिन 27.5 था तो अगले दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5 रुपीज अपनी सेविंग में वो बढ़ा देगा तो कितना रुपए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 30 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद वापस से करेंगे तो क्या होगा, 32.5 हो जाएगा और ऐसे करके ये एपी चलता जा रहा है और सभी के बीच में 2.5 रुपए, मतलब 2.50 रुपए का डिफरेंस आता जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया, बत्रा अंकल यहाँ पे बने हैं भैया और बत्रा जी जो है सहज बत्रा जो है एक यहाँ पे दोस्तों आपके जैसे ही कोई ना कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर जो है क्लास 10 जैसे ही यहाँ पे सहज बत्रा है और ये क्या कर रही है दोस्तों, गरीब लोगों के लिए पैसे जो है वो क्या कर रही है, जोड़ रही है, सेव कर रही है ताकि वो गरीब लोगों का अपने लेवल पे जितना उनसे हो सकता है वो भला करें। तो ये बत्रा अंकल है और बत्रा अंकल क्या कर रहे हैं, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं भैया, पैसे दे रहे हैं और उसमें से वो क्या कर रही है, अपनी पॉकेट मनी में से ये पैसे बचा रही है। ये समझ में आ गया, फोटो से ये भी क्लैरिटी आ गया। अब ये दिमाग में क्लियर है कि 27.5 मतलब 27.50 रुपए वो पहले दिन सेव करती है, उसके सक्सीडिंग डे पे मतलब हर दिन, हर अगले दिन पे क्या करती है, 2.50 रुपए आगे सेव करती जाती है। इसका मतलब क्लियर है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले सारी इंफॉर्मेशन को पहले लिख लेना है, उसके बाद कोई समस्या, कोई भी डाउट नहीं होगा। फॉर्म कर लेते हैं ब्लैक और यहां पर इसको समझते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। यहां पर हमारे सामने है कि भैया 27.5 जो है वो क्या है, फर्स्ट डे पे है। 27.5 जो है वो कहां है, फर्स्ट डे पे है, ये भी हमें क्लियर हो गया। फर्स्ट डे का क्या है भैया, सेविंग यहां पर है, मतलब उसके इतना रुपए यहां पे बचाया है। आगे बात करते हैं सेकंड डे पे फिर क्या करेंगे भैया, 2.5 से यहां पर क्या कर रही है वो, इनको इंक्रीज कर रही है भैया, तो यहां पर अब हो जाएंगे 30 रुपीज। सेकंड डे पे क्या हो गए भैया, 30 रुपीज हो गए। आगे बात करें तो हमारी जो यहां पर एपी बन रही है वो क्या बन रही है, 27.5 30 पॉइंट, यहां पर बात करें 30 और उसके बाद आगे आ जाएगा अपन 2.5 रुपीज और ऐड कर दें तो 32.5 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 35। उसके बाद कितना आ जाएगा, 37.5। उसके बाद कितना आ जाएगा, 40। आप देखेंगे इस तरीके से ये एपी चल रहा है। अब आपसे इस केस स्टडी नंबर 3 के अंदर जो पूछा गया आपको क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों, हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, सबसे पहले गलत कभी नहीं होगा केस स्टडी का, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहां पे लिखा हुआ था अमाउंट सेव्ड बाय सहज ऑन 10th डे। अब भाई 10वें दिन यहां पर सहज ने कितने रुपए सेव कर लिए ये आपसे पूछा गया, तो आप यहां पे क्या निकालना है आपको भैया, पहले पार्ट के अंदर आपको निकालना है सर A10 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, A10 का वैल्यू निकालना है, जिसको हम A+9D से लिखते हैं। और अगर ये AP है तो हमें पता लग गया सर कि A का वैल्यू तो कितना है, 27.5
1.5 है और डी का वैल्यू कितना है 2.5 रुपीज है। ए और डी भी पता लग गया, जब ए और डी पता लग गया तो ए 10 हमने निकाल लिया। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, सर ए प्लस 9 डी कैसे लिख दिया? अरे भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मुला लगाया है तो यहाँ पर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 27.5 प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 2.5। सॉल्व करते हैं 27.5 आया प्लस यहाँ पर देखते हैं भैया, देखो बहुत अच्छे से सॉल्व करना, यहाँ पे गलती कहाँ होती है, केस स्टडी तो आसान लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आ गए तो ये अपने को नहीं करना भाई, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है। 9 5 45 4 हुआ, 9 2 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22.5 के अंदर 27.5 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 4 5 ये तो 1 बन गया और यहाँ पर 29 और 20 ऐड करोगे तो कितना होगा इसमें 49, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 50 आपका आ जाएगा। मतलब 10वें दिन तक वो कितने रुपए सेव कर चुकी होगी, 10वें दिन पे वो 50 रुपए सेव कर रही होगी पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर डे पे अपनी पॉकेट मनी से क्या कर रही है 2.5 रुपए हर दिन इंक्रीज कर रही है तो उस दिन 10वें दिन उसने जो सेव किए होंगे पैसे वो कितने होंगे 50 रुपीज होंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, यूनिट जरूर लगा देना, एग्जामिनर इस चीज को देखेगा भाई रुपीज है या क्या है ये, तो रुपीज है पैसा ही तो सेव करते हैं भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये देख लो भैया आपका पहला पार्ट बड़े आराम से हमने इसको बहुत ही सहूलियत से सॉल्व कर लिया, कोई समस्या किसी को नहीं आई, रुपीज 50 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर और कितने मार्क्स आ गए भैया 2 मार्क्स आ गए। बताओ यार ये 2 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा टफ था क्या, कितना आसान था, बस हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर वो पूरा एकदम पूरा थ्योरेटिकली दे दिया। मैं मानता हूँ कि केस स्टडी थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों मॉडरेट टू इजी है, इजी हम ज्यादा कह पाएंगे इसको अगर आपको एपी आता है, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो इतना सा है कि पहले इजी करो उसके बाद हार्ड उसके बाद थोड़ा और ज्यादा लेवल बढ़ा दो, लेकिन ये तभी चीजें आएंगी तब आप यहाँ पर इसको पढ़ना शुरू करोगे, केस स्टडीज को फेस करना शुरू करोगे, सैंपल पेपर्स करना शुरू करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत आसान है और हम आराम से 8 मार्क्स ला सकते हैं हर किसी भी टॉपिक से। यहाँ पर क्या आ जाए दोस्तों, किसी भी टॉपिक से केस स्टडी आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का एश्योरेंस आपको सिंकोरी एजुकेशन पे जरूर मिलता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद, थर्ड का जो है थर्ड केस स्टडी का पहला पार्ट हो गया, 2 मार्क्स आ गए, अभी भी 2 मार्क्स बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट सेव्ड बाय सहज ऑन 25th डे एंड द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय सहज इन 30 डेज, ये भी पूछा गया। तो भाई जो सहज यहां पर बतरा है, सहज को यहां पर बोला गया, अच्छा नाम है सहज, ठीक है, सहज यहां पे इनका नाम है, तो 25th डे पे क्या कितना अमाउंट उन्होंने सेव किया, तो अभी हमें क्या निकालना है A25 निकालना है, ठीक है ये भी क्लियर है, A25 में निकालना है। तो देखिए भैया A25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर A+24D हो जाएगा। मुझे पता है A का वैल्यू 27.5 है और D का वैल्यू कितना है, यहां पर बात करूं 2.5 है, मतलब 2.2 रुपए 50 पैसे है, रख दीजिए A25 में। A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 27.5 प्लस क्या आ जाएगा 24 × 2.5 आ जाएगा, D का वैल्यू भी रख दिया, 27.5 पहले रख दीजिए ऐसे ही और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देखिएगा 24 5 जो है दोस्तों वो क्या होता है हमारा, यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा 5 4 20 02, 5 2 10 और 2 120 होता है, तो आपने 0 लिखा यहां पे और 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए 24 2 कितना हो गया 48 और 12 कितना हो गया दोस्तों हमारा 60 हो गया, तो मतलब 60.0 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों 60 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। इसको देखते हैं कितना आ रहा है, 60 + 20 कितना हो गया 87.5 हमारा क्या आ गया 87.5 रुपीज हमें मिल गया। ये हमारा 25th डे पे था, बहुत आराम से हमने सॉल्व कर लिया। बताओ कितनी देर लगी, एग्जाम में 2 घंटे मिलेंगे, क्या हम केस स्टडी को बहुत आराम से सॉल्व नहीं कर सकते, क्या हम इसको इस पे नंबर नहीं ला सकते? ये जो डर है आपका, ये जो खौफ है जो मन में जो बिठा के आप बैठे हो कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, इसको निकालो पहले और यहां से शुरुआत करो और जीवन में आगे जाओ, अपने ग्राफ को आगे लेके जाओ। तो 25th डे पे हमें पता लग गया, आगे बोला इन द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय सेल्स इन 30 डेज, 30 दिन में कितना अमाउंट उन्होंने सेव कर लिया है टोटल। अगर टोटल का नाम दे दे तो क्या लगेगा, सम ऑफ एन का फॉर्मूला, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगेगा, सारी टर्म्स का क्या करना है भाई, सम करना है। एसएन का फॉर्मूला हमारे सामने है, कितना है भाई n/2 होता है, साथ में क्या होता है a प्लस नहीं दोस्तों 2a + n-1 इंटू क्या हो जाता है दोस्तों यहां पर d हो जाता है। ये भी आप लोगों को क्लियर है, मतलब क्या करना है, s30 का वैल्यू हमें निकालना है, n का वैल्यू कितना है 30/2 हो गया और 2 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों यहां पर, a का वैल्यू आपको पता है 27.5 है और आगे बात करूं प्लस n-1 मतलब कितना हो जाएगा 30-1 हो जाएगा और यहां पर क्या करेंगे इंटू d का मतलब हो गया 2.5। सारी वैल्यूज आपके सामने है, अब बताओ 30 दिन में कितना
कितना पैसा सेव करेगी उसका टोटल भी आ जाएगा, सॉल्व ही तो करना है बस। तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा, 15 बन गया सर, और यहाँ पे कितना आ गया 27.5 × 2 करेंगे, 27 × 2 = 54 होता है, और यहाँ पर अगर एक और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 55 + 29 × क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। देखते हैं अब कितने रुपए आते हैं भैया टोटल, और 29 को भैया क्या कर ले 25 से मल्टीप्लाई कर ले और एक के बाद पॉइंट लगा ले, ठीक है। तो 25 9 का कितना आ गया दोस्तों हमारे सामने यहां पर आ गया सर 225 आया, और 25 × 2 = 50 और 20 कितना हो गया 72 यहां से बना और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 72.5 यहां पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगा। तो 55 + कितना आ जाएगा 72.5 यहां पर आ जाएगा। अब इसको क्या करना भाई, ऐड ही तो करना है, ऐड कर देते हैं। चलो भाई आ जाओ, 55 यहां पर है, 0.0 यहां पर है, 72.5 के साथ ऐड कर रहे हैं 527 7512 127.5 हुआ, इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई और करना है तभी तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। 15 का कितना हो जाएगा दोस्तों 75 7 आया, 15 7 का कितना हो जाएगा 10547 कितना हो गया हमारे सामने यहां पर 112, तो 11 यहां पर आ गया, 15 2 = 30 30 और 10 कितना हुआ 40 41 हो गया, और यहां पर कितना आ गया दोस्तों हमारा 4 15 1 = 15 और यहां पे आ गया 119 आ गया। ये उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, एक के बाद क्या लगा देना पॉइंट। तो भैया इतने रुपए वो सेव कर लेगी, देखो थोड़ा थोड़ा ऐड करके कितने रुपए हो गए 1912.5 रुपीज हो गए। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात क्लियर होगी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, आप उसके अंदर बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों यूनिट जरूर लगानी है। तो यहाँ पर कितने क्या सेव किया भाई 30 दिन के अंदर अंदर, ये टोटल सम आ गए हर दिन, पहले दिन 27.5, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 32.5 और उसके बाद 35। ये जो चल रहा है एपी पूरा, इस एपी का टोटल सम जो है मतलब 30 दिन में उसने इतने रुपए क्या कर लिए 1912.5 जो है उसने सेव कर लिए, किसके लिए, गरीबों के लिए, ताकि वो उनकी मदद कर सके, और सबको मदद करनी चाहिए मैं तो ये कहता हूं। मेरा तो ये मानना है कि आपसे जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके, किसी की भी लाइफ में अगर आप थोड़ा सा भी बदलाव ला सकते हैं, उसके जीवन को बदल सकते हैं, तो जरूर मदद करनी चाहिए, हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। लोगों की मदद करोगे आपकी मदद भगवान करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से किसी तरीके का कोई भी डाउट या कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा। ये है जी हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आराम से इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई समस्या कोई भी दिक्कत यहां पर इस केस स्टडी के अंदर आपको नहीं होगी। ये है दोस्तों तीसरे नंबर की केस स्टडी। पहले क्या बोला था, यहां पर बोला था सर कि हमें A10 बताना है, 10वें दिन उसने कितना सेव किया, उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें सिंपल से बताना है कि A25 मतलब 25वें दिन उसने कितना सेव किया, उसके बाद 30 दिन में टोटल कितना सेव कर लिया, केवल दोनों फॉर्मूला का यूज और केस स्टडी सॉल्व, और 4 मार्क्स आपके पक्के, यहां से आपको 2 मार्क्स और मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, टर्म 2 को फोड़ना है, तो केस स्टडी नंबर 3 क्लियर। उम्मीद करता हूं कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार जरूर से गो थ्रू कर लेना, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये लो जी बत्रा जी वाली यहां पर क्या हो गई, केस स्टडी कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब चौथे नंबर की केस स्टडी, जो कि इंपॉर्टेंट है, हार्ड टू इजी, इजी टू हार्ड चलता रहेगा, आगे और भी नई नई केस स्टडीज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, बस हंसते रहो पढ़ते रहो और एनर्जाइज रहो, लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं भाई, एलिप्स टेक्नोलॉजी इज अ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर भैया, अच्छा ठीक है भाई, एक यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा गया है और वो लैपटॉप जो है वो बनाती है भैया, लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है। द कंपनी वर्क्स फॉर मैनी ब्रांडेड लैपटॉप कंपनीज and also provide them with the spare parts भी देती है। एलिप्स टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स इन थर्ड ईयर एंड 7,000 यूनिट्स इन द सेवेंथ ईयर, अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फिफ्थ ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। दो नंबर, एक नंबर और एक नंबर में ये क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर की केस स्टडी है, एक बार सभी लोग देख लो। असेंबल यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो बनाया हुआ है, इंस्टॉल फ्लैट स्क्रीन यहाँ पे, इंस्टॉल स्पीकर्स, फाइनल असेंबली, इंस्पेक्टेड बाई 42। ये यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, किसी कंपनी की बातचीत चल रही है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की बातचीत चल रही है, इतने इतने यूनिट्स ये बनाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर, एक बार जरूर से सभी लोग इसको पढ़ो। और एक बार पहले क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको लिख लेंगे और सारी वैल्यूज को हम निकालने का प्रयास यहां पर करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहां पर देख लो, थर्ड ईयर हमें दिया हुआ है और 7000 यूनिट 7 ईयर में दिया हुआ है, मतलब A7 और यहां पर A3 का वैल्यू हमारे सामने है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल,
ए का वैल्यू आ जाएगा और डी का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों हम इस निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी नंबर 4 की बारी है, और केस स्टडी नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि यहां पर A3 का वैल्यू जो है तीसरे साल में जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 6000 यूनिट है। कितना है भैया, 6000 यूनिट्स है। और यहां पर सातवें ईयर में कितना है, 7000 यूनिट्स यहां पर केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7000 यूनिट हमें दिया हुआ है। दो इंफॉर्मेशन है, A3 को क्या बोलूंगा, A+2D बोलूंगा, A+N-1 × D इक्वल टू 6000 आया। और यहां पर क्या बोलूंगा, A+6D, A7 को मैं बोलूंगा वो किसके बराबर आया, 7000 के बराबर आया। उठा के इसका वैल्यू जो है इसको क्या कर देंगे भाई, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, सर इसका वैल्यू आ जाएगा A=60000 माइनस क्या आ जाएगा, 2D आ जाएगा। उठा के A का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहां पर रखा 60000 माइनस क्या किया, 2D, और प्लस का क्या आ गया, 6D = 7000 आया। और साथ में 6D - 2D कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा, और वो भी किसका, प्लस का, और 6000 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 7000 - 6000 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 हो गया भैया, केस स्टडी सॉल्व हो गया। 1000 / 4 और 4 × 2 = 8 आया। और यहाँ पे 2, 4, 5 से 20 मतलब D का वैल्यू कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 250 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा, ये फर्स्ट पार्ट की बातचीत में यहाँ पे कर रहा हूँ, पहला पार्ट आपको क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। अब जो है सारे क्वेश्चन कर लेंगे, पहले हमने जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसकी मदद से A और D का वैल्यू निकाला, अभी A का वैल्यू भी निकालेंगे। A का वैल्यू निकाल लो, D का वैल्यू किसी में भी रख दो, उठा के इसमें रख दो, D का वैल्यू कितना है, 250 का कितना होता है सर, 500 होता है, 6000 - 500 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि A का वैल्यू भी आ गया, D का वैल्यू भी आ गया 250, अगर दो वैल्यूज आ गई उसके बाद तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए सबको फोड़ देंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कोई जल्दी से बता दो यहां पर A और D निकालने में किस किस को समस्या है, कोई दिक्कत अगर आपको आती है A और D निकालने में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूं। देखो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। तो A का वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, पहले साल का, फर्स्ट ईयर का क्या है, ये प्रोडक्शन है। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना था, 5500 यूनिट्स जो है वो पहले साल का प्रोडक्शन था, और तीसरे और सातवें साल का हमें दिया हुआ था। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस पहले यही करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, उसकी मदद से सभी वैल्यूज को निकाल लेना है। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, अगर पहले साल का पूछा गया, दो नंबर तो यहीं से आ गए, मतलब आपने जो भी चीजें करी है, ये A = 5500 निकालने के लिए, उसके लिए आपको कितने मार्क्स रिवॉर्ड करेंगे भैया, 2 मार्क्स मिलेगा आपको, 2 मार्क्स कितना भैया, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो 2 मार्क्स आपके यहां पर आ गए हैं। फर्स्ट ईयर का मतलब यही होता है दोस्तों, पहले साल में 5500 यूनिट का उन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 55, यहां पर 100 यूनिट्स यहां पर क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ चुका है। क्लियर, आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 मार्क्स आ गए सर, मजा ही आ गया। आगे चलते हैं, तो प्रोडक्शन इन द फिफ्थ ईयर, अगर पांचवें साल में आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सर A5 का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। A5 क्या होता है, A+4D होता है। A का वैल्यू सर आपने बताया अभी अभी 5500 है, प्लस 4 × D का वैल्यू आपने बताया 250 है, 254 जाए यहां पर क्या होता है दोस्तों, 1000 होता है। तो यहां पर 1000 लिखा और ये कितना आ गया, 6500 यूनिट्स यहां पर आ गया, और वो भी कौन से साल में, पांचवें साल में। तो ये लो भैया एक और आंसर आपका आ गया, तो सेकंड का आंसर भी करेक्ट हो गया। पहले का आंसर आपके सामने था कि फर्स्ट का आंसर क्या है भैया, A1 का वैल्यू कितना था, 5500, मतलब A का वैल्यू ही क्या था, 5500 यूनिट्स। तो फर्स्ट का आंसर यहां पे आया और सेकंड का आंसर यहां पे आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बातचीत यहां पर करेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा, पांचवें साल भी क्लियर। तो टोटल, अब देखो टोटल का नाम ले लिया है, टोटल को लेकर कंफ्यूज मत होना, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 साल में कितना प्रोडक्शन कर लिया, मतलब टोटल की जब भी बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं, ये सभी को पता है। और सातवें साल के अंदर आपको पता है क्या है दोस्तों, हमारा सातवें साल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A7 का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 7000 यूनिट्स दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म हमारे सामने है। तो नया फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता ही है क्या होता है भैया, SN = N/2 A+L,
ए हमारे सामने है और हमें क्या निकालना है, सात निकालना है, तो 7/2 आ जाएगा एन की जगह, और ए का वैल्यू 5500 है और एल का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं सातवें साल में निकालना है, मतलब लास्ट टर्म 7000 हो जाएगा, तो 7/2 आएगा, इनटू अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12500 आ जाएगा। और ये भी सभी को क्लियर है, 2 6 12 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4 आ गया, 1 यहाँ पे बात करेंगे 2 5 10 6 2 5 0 आएगा, ये भी आप सभी को समझ आ रहा है। 7th को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 कितना आया 35 आया, और 7 2 14 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 3 की बात करूं तो यहाँ बन गया हमारा 17, 17 का क्या आ गया 1 आ गया, और 7 1 7 आया, और 1 कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 आ जाएगा, मतलब 8750 क्या आ गया हमारा टोटल अब तक का प्रोडक्शन आया। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं एक बार, इसको कैलकुलेशन में मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है, 70 यहाँ पर आया, 7 5 35 5 आया, 3 आया, 7 2 14 और 3 कितना हो गया दोस्तों 17, एक नंबर मैं भूल गया भैया, और 7 6 कितना हो गया यहाँ पर 42 और 143 हुआ। अब सही है, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, इतनी यूनिट्स जो है दोस्तों वो क्या हो चुकी है 7 साल के अंदर हम बना चुके हैं 43,750। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तीनों क्वेश्चन क्लियर, आराम से सारी बातें समझ में आ गई। यहां से भैया हमारे 1 1 मार्क्स और आ गए, 1 मार्क यहां से आया और 1 मार्क नीचे वाले एसएन के से आया, तो 1 मार्क 1 मार्क आके टोटल यहां पर कितने हो गए दोस्तों 4 मार्क्स की केस स्टडी आपकी हो गई। ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, और पहले साल के लिए पूछा तो ये भी हमारा आंसर हो गया, तीनों आंसर्स आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं केस स्टडी रिलेटेड कोई भी समस्या आपको कभी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी, बस कैलकुलेशन का विशेष क्या करना है भैया ध्यान रखना है, अपना फोकस कैलकुलेशन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं दोनों की दोनों केस स्टडीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अगर आप कहेंगे और डिमांड करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्या, मैं ऐसा कैसा आपको पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, इन चारों केस स्टडीज को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ऑल इज क्लियर, कोई समस्या नहीं है, तो बताओ भाई चारों की चारों केस स्टडीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, अप्रिशिएट करना हो तो कमेंट कर सकते हो, अगर सिंकोरी एजुकेशन का सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो जरूर से यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी यहाँ पर टर्म 2 का तैयारी हो जाए बेसिक से लगा के और यहाँ पर टॉप लेवल तक, चाहे बेसिक का बच्चा हो चाहे स्टैंडर्ड का, सभी का यहाँ पर क्या होगा बेनिफिट होगा। जैसा कि आप सभी को पता है 5 अप्रैल को यहाँ पर सैंपल पेपर्स आने वाले हैं, तो बस उसके बाद हम सैंपल पेपर्स भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे, उससे पहले कंस्ट्रक्शन का 1 शॉट भी ले लेंगे, सारे कंस्ट्रक्शन के डाउट्स जो है आपके इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जल्दी से स्माइल कर दो, इतना प्रेशर है, इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, फटाफट से स्माइल कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा हंसते रहो, पढ़ते रहो और एकदम मोटिवेटेड रहो, आग लगाते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।